Hello and namaste to all. I am Anshu and I am speaking after 10 days of silence. So I am at the Dhammathali Vipassana Kendra in Jaipur. Last time jab maine vlog dala tha to kuch doubts the. I thought ki ye shivir pura karne ke baad I'll clear those doubts. To sabse pehle to vipassana ya vipassana nahi hai, it's vipassana. Pichle baar maine bhi थोड़ा सा मिसप्रनाउंस किया था, सो आई वॉन्टेड टू क्लियर दैट अप. तो सबसे पहला सवाल कि विपश्यना क्या है. एक मेडिटेशन टेक्निक है जो बहुत सालों पहले इंडिया में थी लेकिन फिर लुप्त हो गई, और फिर बुद्ध भगवान ने उसे ढूंढ निकाला, फिर उसको प्रैक्टिस किया और उस तरह से निर्वाण पा लिया. अब दम मोर है तो अब यहाँ पे एसएन गोयनका जी ने इंडिया में वापस से विपश्यना का कोर्सेज करना स्टार्ट करवाया. ऐसे बहुत सारे केंद्र आपको मिल जाएंगे. रजिस्टर कैसे करना है? सो सिंपल है, dhamma.org. वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. आपको कौन सी डेट्स के लिए आना है, किस लोकेशन पे आना है, कौन सी लैंग्वेज में कोर्स करना है, एवरीथिंग इज़ वेरी डिटेल्ड. यू कैन चेक इट आउट. समबडी आस्क्ड के हम यहाँ पे अगर आएँ तो अपने साथ किस तरह के कपड़े लेके आएँ. सो दिस इज़ माय धम्मा रूम. यहाँ पे बेड है, अटैच लेट बाथ है, एंड दिस इज़ द सूट केस आई केम विद. तो कपड़े की जब बात की जाती है तो हम जैसे कपड़े मंदिरों में पहनेंगे, सिंपल सादे कपड़े जिनमें ज़्यादा तड़क भड़क ना हो, वो कपड़े छमछम छमछम वाले कपड़े ना हो, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं और आपके कपड़ों की वजह से कोई और डिस्टर्ब हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है. दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे शॉर्ट्स और ये सब पहनना अलाउड नहीं है. एक क्वेश्चन ये भी था कि कपड़ों का क्या सिस्टम है धो के सुखाने का, लॉन्ड्री का. तो अगर घर से साबुन लाए हो तो अपने कपड़े धो के रोज़ के टॉवल वगैरह सुखा सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारी तनिया बंधी हुई है और वो चिटकनी भी है, तो आराम से कपड़े रहेंगे. और लॉन्ड्री सिस्टम है वहाँ पे 12 रुपीज़ में पर क्लॉथ धो के आयन होके आपको मिल जाएंगे. ये क्योंकि एक प्रॉपर सर्विस आप आस्क कर रहे हो, इसके लिए पे करना पड़ेगा. वरना लोग ये भी पूछते हैं कि व्हाट आर द चार्जेस. तो जैसे गुरुजी बोल रहे थे कि धर्म सिखाने का कोई चार्ज नहीं होता, बट फिर भी आप यहाँ पे आते हो, 10 दिन रहते हो, खाना खाते हो, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ, उस सब का कोई चार्ज वो भी नहीं है. इट इज़ ज़ीरो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. बट मुझे ऐसे लगता है कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती. अगर आज हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो समबडी एल्स हैज़ पेड फॉर इट, किसी ने डोनेट किया है, इसीलिए आज हम उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं. को अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा है, आरओ का गर्म ठंडा पानी, नहाने के लिए गर्म ठंडा पानी, इलेक्ट्रिसिटी, घूमने के लिए जगह, इतना सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, पूरी स्पेस. तो कोई ना कोई ने डोनेट किया है, दान दिया है, उस दान पे हम लोग 10 दिन पल रहे हैं. तो हम एक तरह से भिक्षुक हो गए हैं कि बस धर्म सीख रहे हैं और दान पे पल रहे हैं. तो हाँ, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट इफ़ यू विश टू डोनेट. तो डोनेशंस की जब बात आती है तो सब लोग यही समझते हैं कि पैसा मांग रहे होंगे. दे डोंट आस्क फॉर इट, जस्ट कि आपका थॉट लगे कि यार हम लोग भी इतने दिन रहे. बट ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मैं रह ली तो मेरा कितना बनता है उतना मैं दे दूँ तो चलो. दैट्स नॉट द थॉट यू शुड डोनेट विद. यू शुड डोनेट विद मैं रही क्योंकि किसी ने डोनेट किया, तो कोई और रहे उसके लिए मैं डोनेट करूँ. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, यू कैन डोनेट मनी. सेकेंड थिंग यू कैन डोनेट इज सेवा. आप यहाँ पे आओ, आप धम्मा सर्वर बन के रहो, सुबह जल्दी लोगों को उठाओ, खाना पकवाओ, हेल्प करो लोगों की. किसी को किसी भी तरह की इश्यूज़ हैं, जैसे आज इतनी बड़ी मकड़ी आ गई थी, उसको हटाना. खुद को भी अंदर से थोड़ा सा डर लगता है, थोड़े क्षमता बिगड़ती है, लेकिन आप हेल्प करते हो लोगों की. एंड द थर्ड बीइंग कि आप नहीं टाइम दे सकते, आप नहीं मनी दे सकते, आप एटलीस्ट अच्छी थॉट्स दे सकते हो. आप एटलीस्ट लोगों को अपना एक चेंज्ड बिहेवियर, एक एक्चुअली चेंज्ड पर्सनैलिटी जब लोग देखेंगे तो आप उनको बता सकते हो कि दिस इज़ द रीज़न, एंड मे बी यू कैन इंस्पायर पीपल टू कम हियर. हाँ, वन मोर क्वेश्चन पीपल आस्क्ड कि डिड आई लूज वेट. तो फ्रेंकली स्पीकिंग वेट तो ना बने, बट पैंट्स लूज हो गई है. द थिंग इज़ कि वेट लॉस करना वॉज नॉट
इवन इन माई थॉट्स, बट सात्विक आहार मिलता है, फिक्स्ड टाइम पे मिलता है, और ओल्ड साधक को तो शाम में मिलता ही नहीं है, सिर्फ दो टाइम। तो पर आप ऐसे भर भर के भी नहीं खाते हो, साधना में हमेशा लिमिटेड खाते होते हैं। सो या लिमिटेड यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे रूल्स क्या क्या है। तो आते ही हमको 5 शीलों का एक तरह से अधिष्ठान, आपको दृढ़ निश्चय करना होता है कि आप ये 5 शील फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला शील कि झूठ नहीं बोलना है। तो उसको बहुत मुश्किल होती है, कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछे हम थोड़ा बड़ा चढ़ा के जवाब ना दे दें, या इंसान आपस में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ झूठ निकल ही जाता है। तो उस शील को पुष्ट करने के लिए आर्य मौन होता है। तो आर्य मौन का मतलब ये है कि आप शब्दों से तो बात करोगे ही नहीं, मोर इतने सारे हैं यहाँ पे, तो आप शब्दों से बात नहीं करोगे, ना आप इशारों से बात करोगे, ना आप लिख के बात करोगे, ना आप आँखों से बात करोगे, ना आप सिंपल सी एक स्माइल देके या कुछ भी उस तरह से बात करोगे। दूसरा, चोरी नहीं करनी है। इसको धारण करवाने के लिए आपके सारे वैल्यूएबल्स बाहर ले लेते हैं कि किसी के मन में लालच ही ना आए, और कोशिश तो यही करते हैं कि कोई ना करे चोरी। तीसरा, हत्या नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे अगर कोई आया है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेगा, तो ये शील भी बहुत आसानी से हो जाता है फॉलो। चौथा शील, वासना, ब्रह्मचर्य जो होता है कि वासना नहीं करेंगे। तो उसके लिए मेल का बिल्कुल सेपरेट डॉर्मेट्री, फीमेल का बिल्कुल सेपरेट, मेल अलग रह रहे हैं, उनका पूरा सेशन अलग होता है, उनका डाइनिंग हॉल अलग है, उनका स्पेस अलग है सोने का, फीमेल का पूरा सेपरेट है, तो वो भी हो जाता है फॉलो। और लास्टली, जो कुछ लोगों के लिए टफ होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कि नशा पता नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों को टोबैको की, सिगरेट की, या किसी भी तरह की जो आदत होती है, उनको पहले से बहुत दृढ़ निश्चय करके आना पड़ेगा कि ये तो मैं नहीं ही कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। एडिक्शन है तो नहीं लेने देंगे, बट अगर आपकी किसी बीमारी के कारण कोई दवाई चलती है तो वो आपको लेना अलाउड है। तो इतने कड़े नियमों के बीच लोग मुझे पूछते हैं, तो बोल कैसे रही हो, मौन व्रत था ना, वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रही हो जब फ़ोन अलाउड नहीं है। तो 10वें दिन सुबह 10 बजे मंगल मैत्री की साधना सिखाने के बाद मौन का भंग हो जाता है, आप मौन व्रत से छूट जाते हो और आप बात कर सकते हो और आप अपने वैल्यूएबल्स भी कलेक्ट कर सकते हो। अब फ़ोन तो शाम को 5 बजे मिलता है, लेकिन जैसे कैमरा है मेरे पास तो मैं उससे शूट करती हूँ, तो वो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, परमिशन ले लेती हूँ और अपना शूट करती हूँ। तो द होल पर्पस, द ओनली पर्पस, सोल पर्पस एक्चुअली, कि ये है कि अगर कोई इस साधना में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अरे मौन व्रत कैसा होता है, अरे खाना कैसा मिलता है, मम्मी पापा की याद आई तो, लड़कियों की सेफ्टी है तो सही ना, अगर ये प्रॉब्लम्स है तो इनको मैं आपको बता दूं कि यार ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, एंड आई होप मैंने कुछ हेल्प की हो, आपके कुछ डाउट्स रिजॉल्व हुए हों। और विपश्यना को लेके अगर डाउट्स है, उसके लिए आना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, और आचार्य जी से सवाल पूछोगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। जो जो इस 10 दिन के शिविर में आए हैं, खूब गंभीरता से काम करते हुए अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं।